हिंदुत्व और मोदी सरकार के प्रबल समर्थक सुदर्शन न्यूज वाले सुरेश चौहान के अब अडानी के समर्थन में स्वदेशी नाम का ताजा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री के कथित मित्र गौतम अडानी के समर्थन में उतरे सुरेश चौहान के को कड़ी आलोचनाओं और आक्षेपों से दोचार होना पड़ रहा है। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पस्त हो चुके अडानी समूह को रिवाइव होने के लिए एक मोटे निवेश की जरूरत है, लेकिन बाजार फिलहाल अडानी के शेयरों में भरोसा नहीं दिखा रहा है। ऐसे में सुरेश चौहान के ने देश की जनता से अडानी को बचाने की अपील की है। चौहान के ने ट्वीट करते हुए कहा, आज अडानी के साथ खड़े होना ही स्वदेशी है। आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखने के लिए और हमारे बाजार पर राज करने के लिए आतुर कंपनियों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने इस कंपनी के साथ खड़े होकर आप स्वदेशी आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं। अडानी शिकार हो गए तो कोई नहीं बचेगा। सुरेश चौहान के का गौतम अडानी के समर्थन में उतरकर स्वदेशी आंदोलन की बात कहना यूजर्स को नागवार गुजरा और अब लोग अडानी को धोखेबाज और चौहान के साहब को उनका दलाल बताकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कुछ लोग चौहान के को सुदर्शन न्यूज बेचकर अडानी के शेयर्स खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एक यूजर ने सुरेश चौहान के को आईना दिखाते हुए कहा, आखिरी लाइन एकदम सही है, अडानी शिकार हो गए तो कोई नहीं बचेगा, सबसे पहले सरकार जाएगी, उसके बाद आप जैसे दलों का नंबर आएगा और बड़ी बात, जनता का पैसा दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अडानी बड़े आराम से विदेश में ऐश करेगा, बैंकों की वाट लग जाएगी। कथा समाप्त हुई। एक्स भक्त नाम के एक यूजर ने फटकारते हुए कहा, जनता जिन सार्वजनिक उपक्रमों की मालिक थी जैसे BSNL, उनको पहले बर्बाद करना, फिर उसकी बोली लगाकर अंबानी अडानी को दिलवाना जनता के साथ विश्वासघात है। मोदी अमित शाह उसके चंदे के लिए उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो उसके व्यापार में भागीदार हैं, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। दोस्तों, यूजर्स जहां चौहान के और अडानी पर हमलावर हैं, वहीं मोदी सरकार सहित संघ परिवार पर भी निशाना साध रहे हैं। एक यूजर ने संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तंज करते हुए कहा, आप सभी संघ परिवार और बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करो कि वो अडानी समूह को बचाने के लिए दिल खोल कर दान करें और दान में आया पैसा अडानी जी के शेयरों में लगाया जाए, इससे न सिर्फ अडानी बचेगा, उसके मित्र भी बचेंगे। दोस्तों, ऐसे ही तमाम तरह की तीखी टिप्पणियां चौहान के ट्वीट पर की जा रही हैं। कुल मिलाकर लोग सुरेश चौहान के इस नैरेटिव को पूरी तरह से खारिज करते हुए मोदी सरकार, संघ परिवार, अडानी और एंकर चारों को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।